हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप पीसी में विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंडोज पीसी में अगर आप इसकी आईएसओ फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, वो आता नहीं है। उस ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है उस वेबसाइट में जाके, ये मैं आपको बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है विंडोज 10 प्रो आईएसओ डाउनलोड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाना है और आपको पहली ही लिंक पे क्लिक करना है जो कि एक ऑफिशियल लिंक है, और किसी भी लिंक पे आप क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, गलत आईएसओ भी आपको मिल सकती है और उसके साथ आपको वायरस भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है विंडोज़ की। तो देखिए, हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ आने के बाद देखिए, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप विंडोज़ को कैसे डाउनलोड करेंगे। ये एक टूल मिलता है, इसे डाउनलोड करने के बाद आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाता है और चाहे तो आप उसकी फाइल को जो है सेव भी कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हमें होती है इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर आके आपको कैसे ऑप्शन को इनेबल करना है, अब इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। ऐसा करने से आप सभी डेवलपर मोड में आ जाएंगे। डेवलपर मोड में आने के बाद यहाँ पे ये देखिए, आपको टॉगल दिखता है। इस टॉगल का नाम है टॉगल डिवाइस टूल बार। इसका आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl Shift+M। ठीक है, तो ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ आने के बाद बस आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है उस पेज को, और देखिए फ्रेंड्स क्या मैजिक होता है। अब यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट एडिशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एडिशन जो है सिलेक्ट करना है। मैंने विंडोज़ 10 को सिलेक्ट किया है, कन्फर्म किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की, इंग्लिश इंटरनेशनल, और इसको कन्फर्म किया। वैलिडेटिंग होने के बाद अभी आपसे पूछेगा कि आपको विंडोज़ 64-bit में डाउनलोड करना है या 32-bit में। तो मैंने कहा 64-bit में। अगर आपको 32-bit में चाहिए तो आप 32-bit में डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे 64-bit में चाहिए तो मैंने स्टार्ट डाउनलोडिंग कर दिया। देख तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास जो है इसकी आईएसओ डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है, जो कि 5.05 GB की है। ठीक है, यानी 5 GB की ये फाइल है जो कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, इस फाइल को डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो लिंक है सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही वैलिड रहता है, इसके बाद ये लिंक काम नहीं करता है। अगर आपके पास एक स्टेबल और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, तभी आप जो है इसको डाउनलोड कीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप सपोज़ कीजिए, मैं एक नॉर्मल बात लेके चलता हूँ, 2 GB डेटा आपको डेली का मिलता है, तो 2 GB आप अगर डेली खर्च करेंगे फिर 3 दिन बाद डाउनलोड करेंगे इस फाइल को, तो फ्रेंड्स वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 5 GB से ज़्यादा का डेटा है इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए उस दिन, तो आप जो है इसको ईज़िली डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ईजिली डाउनलोड हो जाएगी, जो कि एक ऑफिशियल रूप से फ्रेंड्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कैसे आप विंडोज़ 10 को पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।